अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये देखें जी, सूरज का कलर कैसा हुआ है। यहाँ पर बने हुए हैं जी बहुत ज़्यादा बादल। सुबह से बड़ी ठंडी हवा चल रही है और आज वेदर फॉरकास्टिंग में रेन बताई गई थी। मौसम यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है। यहाँ पर बादल बने हुए हैं लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई। आपको ये धुंध सी भी महसूस हो रही होगी। ये देखें, ये सारी धुंध है, फॉग शुरू हो चुकी है यहाँ पर, ये सारी धुंध है। और सूरज का कलर मैंने आपको दिखाया है, पीच कलर का हुआ है। ये देखें, बादलों में छुपा हुआ है। वैसे तो चाँद छुपता है बादलों में, लेकिन आज सूरज भी छुपा हुआ है। आज इसी वेदर से रिलेटेड मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए शेयर करने आई हूँ, जो आज आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। सर्दी के मौसम में अक्सर घरों में आग जलाई जाती है, क्योंकि जैसे गैस की लोड शेडिंग रहती है, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर आग जलाकर खाना बनाया जाता है। और वैसे भी जैसे आजकल गीज़र मैंने आप लोगों को दिखाया था, गैस ना होने की वजह से उसमें हम लोगों ने वो लकड़ी का सारा सिस्टम लगाया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आग जलाना अब मुश्किल नहीं है, आसानी से भी आग जलाई जा सकती है। ये देखें, कबूतर उड़ रहा है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो क्या चीज़ है, पहले इधर उधर की नज़ारे आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये जी कबूतर पॉइंट, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। और ये जो आपको धुंधला सा महसूस हो रहा है, ये सारी फॉग है। वेदर यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसलिए ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। ये देखें, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। गली का भी एक व्यू करते हैं जी। ये देखें, ये सामने आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये है जी बचपन की यादें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने दो चार पाइयाँ खड़ी करके ऊपर चादर बिछाकर घर बनाया हुआ है, और उसमें बैठकर बातें कर रहे हैं और खेल रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये सब देखकर। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, चार पाइयों का घर बनाते थे छत के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही चार पाइयाँ जोड़कर, उसके ऊपर ऐसे चादरें बिछाकर, तो वो घर बनाकर उसमें खाने पीने वाली चीज़ें रखकर तो खेला करते थे। ज़माने गुजर जाते हैं, बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, लेकिन बचपन सबका एक जैसा ही होता है। ये है जी स्ट्रीट व्यू, आगे नहीं जाऊंगी मैं, आगे आदमी है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये कव्वे साहब भी बैठे हुए हैं, वो उड़ गया। बड़े नखरे हैं भाई, तुम्हारी वीडियो बन रही थी तुम उड़ गए हो, तो ना से हम इस कव्वे की बना लेते हैं। ये देखिए, ये बैठा हुआ है। आप लोगों की तरफ कैसा वेदर है मुझे बताइएगा। यहाँ पर जो पहाड़ नज़र आते हैं वो भी धुंध में छुपे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे। बारिश बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि बादलों की आवाज़ भी आ रही है। तो चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये आप लोग कुछ पीसेस देख रहे हैं। बहुत से लोग इनके बारे में जानते भी होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये भी मुझसे ही ये पूरा बैग फटा है, और ये सारे स्टेयर्स में बिखर गए थे बड़ी मुश्किल के साथ। मैंने और मेड ने इनको इकट्ठा किया है, और ये नीचे वाले फ्लोर तक बिखर गए थे सारे। ये बैग उठाते उठाते फट गया मुझसे, क्योंकि ये बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा है इसमें। इसको बेसिकली बोलते हैं कि वुड पैलेट। ये देखें, ये पीस है। ये आग जलाने से पहले इनको इतने से लेकर ये लकड़ी के अंदर, यानी लकड़ी के आप बिल्कुल जैसे इसको ज़मीन पर रख के उसके ऊपर लकड़ियाँ रख लें, उसके ऊपर फिर इनको थोड़ा सा इतने ज़्यादा और डाल दें, फिर जब आप आग लगाएंगे तो इनसे जो आग जलती है वो फिर तब तक जलती रहती है जब तक लकड़ियाँ पूरी तरह से लकड़ियाँ जल नहीं जाती। ये वुड पैलेट है, इनको वुड पैलेट बोलते हैं। ये देखिए, बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे। आजकल वो एक फायर स्टोव निकले हैं, उनके लिए भी ये यूज़ होते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा है। ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये 600 के आए हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये हमने कल से यूज़ भी किए हैं। ये हम इतने ज़्यादा लेकर हम लोग गीज़र में इनको रख देते हैं, उसके ऊपर लकड़ियाँ जोड़ देते हैं, फिर जब हम इनको आग लगाते हैं तो आग फ़ौरन जल जाती है। ये सर्दियों की बहुत अच्छी एक चीज़ है। जो लोग हम लोगों की तरह जिनके घर लकड़ी वाला गीज़र है, या जो लोग ऐसे हैं जहाँ पर गैस नहीं होती तो खाना पकाने के लिए आप लोगों को लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। आप थोड़े कम मंगवा कर पहले इनको यूज़ करें, आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत काम की चीज़ है। ये अभी जब गिरे हैं मुझसे, तो वहाँ पर सीढ़ियों में वो जैसे कोयले
कोयले दहक रहे थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे, तो उनके ऊपर ये दो तीन गिरे हैं, तो वो फ़ौरन से उनको आग लग गई। अभी ये देखें, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़रा कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, आग लगा कर देखूँ कि इनको लगती है या नहीं। बाकी वुड पैलेट के बारे में आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होते हैं। चलिए ज़रा इसको गीज़र में रख के देखते हैं कि इनको आग फ़ौरन लगती है या नहीं लगती। मैं इतने से लेती हूँ और हम लोग गीज़र की तरफ चलते हैं। चले जी, मैं गीज़र की तरफ जा रही हूँ। ये चार पहिए इसके नीचे रख दिए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली है। ये देखें जी, ये देखें गाइस, इनको मैंने दहकती हुई लकड़ी के ऊपर रखा है तो इनमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। ये देखें, इसने जलना शुरू भी कर दिया है। ये देखें धुआं आप लोगों को फील हो रहा होगा। तो ये गीज़र से मैंने लकड़ी निकाली थी यहाँ से ना पानी गर्म करने के लिए, उसमें भी अभी आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी पड़े हुए हैं। तो ये इनको ऐसे ही, अभी तो ये एक लकड़ी है ना और इन्होंने दहकना शुरू भी कर दिया है। ये देखें अब इनको रखे हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, अभी ये इनको आग लगना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बाहर तो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि देखिए इधर चार पहियाँ रखी हुई हैं और ये बिल्कुल ड्राई हुई हुई है, नई चार पहियाँ बनानी है ना, तो इनको बाहर छोड़ दिया तो अल्लाह ना करे इनको आग लग सकती है। तो इनको वापस से हम इस लकड़ी को मैं उठाकर अंदर ही रख दूँगी गीज़र में बड़े एहतियात से। ये देखिए नीचे गिर रहे हैं, ये देखें मैंने ऐसे ही इनको बीच में रख दिया है यहाँ पर ही। भाई मेरे हाथ ना जल जाए, गर्म है लकड़ी बहुत। ये देखें इसको मैं से अंदर रख रही हूँ, ये जो पीस बच गए हैं इनको भी अंदर फेंक देते हैं, गर्म हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे इनको आग लग जाती है। ये देखें, ये अंदर लकड़ी रखी हुई थी, पानी गर्म किया था और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पीस पड़े हुए हैं, लकड़ियों को फ़ौरन आग लग गई थी। देखिए राख भी बन गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने गीज़र में लकड़ियाँ जलाई थी पानी गर्म करने के लिए, जिसमें ये काफ़ी है। जब इनके ऊपर दोबारा लकड़ी रखी जाएगी तो ये फ़ौरन से इनको आग लग जाएगी। अच्छी चीज़ है, यूज़ेबल चीज़ है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पर मुझे कुछ चींटियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखें इनको ला कर थोड़ा सा बाजरा डालते हैं और बाकी का व्लॉग आपको दिखाती हूँ। फहमीदा काम हो गया है, अब घर जा रही हो, किचन धोना है अभी। फहमीदा ये नीचे टोकरी लेती जाओ ना, ये इसमें एक रह गई मुझे दे दो। चलो जी, बस फहमीदा भी अभी काम करके जा रही है। अब मैं चुनटियों को थोड़ा सा बाजरा देती हूँ। ये गमला हमारा टूट चुका है, ये देखें ये टूट चुका है। इसको दोबारा से मैं इसकी मिट्टी निकाल के सारी इसको दोबारा से इसके अंदर लगाऊंगी। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बर्ड्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, अभी बारिश शुरू हो जाएगी। ये झंडा भी मैंने ठीक करवाना था, मैं भूल जाती हूँ, इसको आज ठीक करवाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बाजरा ज़रा चींटियों को डालती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है, वो अपने बिलों में लेकर जाती हैं तो बहुत सवाब मिलता है। चले मैं थोड़ा सा बाजरा लेकर आती हूँ, फिर चींटियों को बाजरा डालते हैं। चलें जी, जहाँ पर हमने चींटियाँ देखी हैं वहाँ पर उनको बाजरा डालते हैं। यहाँ पर इनके घर है ना, ये अब उठा कर यहाँ से अपने अपने घरों में ले जाएंगे। इस तरफ भी होंगी, इस तरफ भी डाल देते हैं। ये मैं अक्सर ये जहाँ पर मुझे चींटियाँ नज़र आती हैं उनको मैं बाजरा और ये बिस्किट वगैरह के जो पीस होते हैं वो मैं ऊपर आके फेंक जाती हूँ, फिर ये लोग उनको खा लेते हैं। सूरज पूरी तरह से डूब चुका है, वो देखिए अब नज़र भी नहीं आ रहा, कहाँ गया, हाँ नज़र भी नहीं आ रहा। यहाँ पर भी चींटियाँ रहती हैं, इस जगह पर भी। इन्होंने तो सारा बाजरा पहले ही उठा लिया, मैंने उस दिन भी डाला है। उस तरफ बाजरा अभी भी है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो मैं अक्सर आकर ऊपर डाल कर जाती हूँ बर्ड्स के लिए, बर्ड्स खा लेते हैं। तो आज का रिव्यू था जी वुड पैलेट का। एक प्यारी सी चिड़िया बैठी है ठंड में, अब ये यहाँ से बाजरा लेकर अपने घर चली जाएगी बारिश आने से पहले। बाकी ये देखें कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, कबूतर सारे वहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं बाजरा खाने, शायद अभी आ जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, ज़रूर आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है। न्यू सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं चैनल पर,
उन सभी लोगों को मैं वेलकम कहती हूँ जो अभी भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ों का रिव्यू और यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे आज मैंने इन वुड पैलेट्स का किया है, ये देखें कितने ज़्यादा हैं ये, और ये जितने मैं नीचे से मैंने और फहमीदा ने उठाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। ये कच्चे चावल नीचे बिखरे पड़े हैं, यहाँ से भी चुनटियाँ बहुत से राइस लेकर जाती हैं। कुछ बर्ड्स के लिए हम दीवारों पर कच्चे चावल डाल देते हैं, कुछ के लिए बाजरा, और ये पानी और रोटी भी रखी होती है कबों के लिए, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये मैसेज देती हूँ क्योंकि मुझे बर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं। वो देखें, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें ये धुआं निकल रहा है, ये यहाँ पर वो ईंटों का भट्टा जिसे बोलते हैं वो है, उसके पीछे एक बिल्डिंग बन रही है वाइट कलर की, धुंध की वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। तो ये कैसे व्यूज़ हैं आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है, आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग, और आप लोगों को आज ये वुड पैलेट का रिव्यू कैसा लगा ये भी आप लोगों ने बताना है। अभी भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विज़िट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह से यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी चीज़ों का रिव्यू, उनका यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जितनी भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी ज़रूर आप लोगों को दिखाया करूँगी। बारिश आने से पहले चलते हैं जिन नीचे, और बाकी ये देखें बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से, सॉरी नॉट घरों से, घर से निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यही होती हैं बचपन की प्यारी प्यारी यादें। स्ट्रीट व्यू भी हो गया, चलें जी व्लॉग को करते हैं एंड। अपना फीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने, और जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अपने ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निकेबा।